फॉल्ट के नाम पर सिर्फ एक ड्रामा किया जाता है। लोड शेडिंग तो कंटिन्यू जो है ना ऐसी चल रही है कि कोई हिसाब ही नहीं है। फॉल्ट यही है कि करप्शन कर रहा है अपनी, भत्ता खोरी कर रहा है। फॉल्ट के नाम पे एक मजाक किया जा रहा है हैदराबाद के साथ, कभी फॉल्ट के नाम पर, कभी ट्रांसफार्मर के नाम पर। ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए भी जो है वो आवाम से ही पैसा लिया जाता है, और हत्ता के आपके आप ये देखें कि बिल में तकरीबन 13 से 14 टैक्सेस हैं। तो हालत ये है जब इतने टैक्सेस के बाद भी आवाम को 18-18 घंटे जो है अंधेरे में और गर्मी में ज़िंदगी गुजारनी पड़े और कारोबार ज़िंदगी जो है ना मअतल रहे, तो ऐसी सूरत में आवाम जो है या लोग कहाँ से देंगे, बिल की अदायगियाँ कहाँ से करेंगे जब कारोबार ही नहीं चल रहा है, जब वो कुछ कमा ही नहीं रहे तो वो कहाँ से देंगे। और ये आते लाओ जी बिल दिखाओ, बिल नहीं भरा जी, अच्छा जी कट काट के चले जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि उसके साथ वो जो लगे हुए होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स वो भी ले जाते हैं उठाकर तार के साथ साथ, ताकि वो भी हम आवाम जो है दोबारा अगर लाइन लगवानी है तो वो अपने 600 रुपये का 700 रुपये का एक सेट खरीदे ये अलग से, और ये लोग उसको जमा करके अलग फरोख्त कर रहे हैं दुकानदारों को। हुकूमत से मेरा ये मुतालबा है कि खुदा के वास्ते आवाम को मजबूर ना करो कि आवाम सड़कों पर आए, क्योंकि आवाम से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लाहौर के अंदर अगर लाइट जाती है तो वहाँ पर SMS के ज़रिए बताया जाता है, कोई सिंध में इस तरह का सिस्टम नहीं है। आप देखें कि 12-12 घंटे 14-14 घंटे लाइट जा रही है। अच्छा लाइट जा रही है, उसके अलावा ट्रांसफार्मर जब उनके ड्रॉप हो जाते हैं उसको सही करने वाले नहीं है। एक एक हफ्ता लोग बैठे हुए हैं, लोग एक एक हफ्ता बैठे हुए हैं, कोई उसको सही करने वाला नहीं है। अगर कोई सही करने के लिए जाता है उसकी बात करता है तो वो उनका कहना ये होता है कि इसकी हमें आप पेमेंट दें जब हम जाके इसको लगाएंगे। तो एक अंधा कानून है और लोगों को या तो अवेयरनेस नहीं है या इस तरह का इतना कोई पता नहीं है कि बावडा ऑफिस में आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट करने जा रहे हैं आपको दिलासे दिए जाते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफार्मर सही नहीं होता जब तक आप इलाके से पैसे काउंट नहीं करेंगे उनको नहीं देंगे। तो ये एक मजाक किया जा रहा है हैदराबाद के लोगों के साथ। आज से अगर हम जाएँ माजी में, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले अगर हम जाएँ तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हैदराबाद में हुआ करते थे ना, जब अगर थोड़ी भी लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो हैदराबाद के लोगों को क्या हो गया है मेरे समझ नहीं आ रहा। हैदराबाद के लोग जो है वो सो रहे हैं घरों पर, या फिर उनको मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे उनको खुद आराम मिलता है तो वो शायद वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हैदराबाद में हमने देखा है कि लोग जो है वो सड़कों पे होते थे और वो मसले हल होते थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर वही दौर आने वाला है, लोग सड़कों पे होंगे और फिर एहतजाज हो रहे होंगे और फिर जो है वो कोई इनकलाब शायद आ सकता है, तो शायद वाड्रा के जो है वो निज़ाम सही हो जाए। 14-14, 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, आज भी अभी भी जो है 1:45 की लाइट गई हुई अभी तक नहीं आई है। रात को 3 भी लाइट गई तो सुबह 7 भी लाइट आई है, फिर 9:45 भी लाइट बंद कर दी, फिर 11:45 भी लाइट आई है। इन लोगों ने तो बिल्कुल तंग करने लगाया हुआ है यार, ईद के तीनों दिन इन्होंने बिल्कुल तंग करने लगाया हुआ है। लोड शेडिंग तो कंटिन्यू जो है ना ऐसी चल रही है कि कोई हिसाब ही नहीं है, और जो टाइमिंग है उसके अलावा भी, तो जैसे 2 घंटे के लिए रहे तो 2.5 घंटे कर देते हैं, तो 12 से 14 घंटे 15 घंटे कोई वो नहीं है इनकी। तो हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए ना इस पर।